हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को लेकर के है। और एक्सेस में एक सवाल जो कि पूछा गया हमारे एक स्टूडेंट के जरिए, देखिए सवाल क्या है। यहाँ पे देख सकते हैं एक टेबल प्रोडक्ट नाम से बनी हुई है। अब इसमें प्रोडक्ट की आईडी डाली गई है, फिर यहाँ प्रोडक्ट का नेम आया हुआ है, ठीक है। तो ये जो नेम है जैसे कि कीबोर्ड दिया गया है और इसकी प्राइस है 400, लेकिन ये 400 गलत एंटर हो गई। तो हमें इसको यहाँ से ना हटा करके, ये जो प्राइस लिखा हुआ है 400, इसको यहाँ से ना हटा करके हमें इसे SQL कमांड के थ्रू हटाना है। तो ये कैसे होगा और क्या कमांड यूज करेंगे आज के इस वीडियो में यही देखेंगे, ठीक है। जल्दी से करके बताता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको क्लोज कर दीजिए, से भाई है, इसको क्लोज कर दिया। क्रिएट पे आना है और सीधा कहाँ आ जाना है, क्वेरी डिजाइन पर। क्वेरी डिजाइन पे आते ही ये सिनेरियो नजर आएगा आपको। अब यहां से चले चलिएगा, क्योंकि हमारा टेबल का नाम है प्रोडक्ट, तो यहां से SQL व्यू दिखाई देगा, यहां पर आ जाइए। अब यहीं पे सारी कोडिंग करनी है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे कमांड क्या लिखना है, सबसे पहले लिखिएगा अपडेट, क्योंकि हम इसको अपडेट करने वाले हैं, 400 को बनाने वाले हैं 250, ठीक है। यानी जो 400 है उसको 250 बनाने वाले हैं। तो किसको अपडेट करना है, तो टेबल का नाम है प्रोडक्ट, तो यहाँ पे PRODUCT प्रोडक्ट हो गया। अब प्रोडक्ट जैसे ही देते हैं हम, तो फिर एंटर करके नीचे आते हैं और यहाँ पे सेट लिखेंगे, सेट, ठीक है। और क्या सेट करना है हमें, तो सेट करना है हमें, एक बार चेक करते हैं, ये यहाँ पे दिया गया है प्राइस, तो प्राइस सेट करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं प्राइस, PRICE प्राइस लिख दिया, इज इक्वल टू का निशान लगाएंगे, और प्राइस कितनी है, सेट कितना करना है प्राइस, तो यहाँ पे 250 सेट करना है। अब यहाँ पर हमें ये बताना पड़ेगा कि जो 250 प्राइस है वो किसका है, ठीक है। तो यहाँ पर हम वेयर की कंडीशन दे सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वेयर की कंडीशन दे सकते हैं। तो अभी इसको इस तरीके से लिख के, और हम एक काम करते हैं, यहाँ पे कॉमा ना देकर के सीधा एंटर करते हैं, नीचे आते हैं और यहाँ लिखते हैं वेयर, यहाँ पे वेयर लिख दिया। अब देखिए जरा इस टेबल को जब आप देखेंगे तो इसमें दिखाई देगा आईडी, तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए हम आईडी ही ले लेते हैं, तो यहाँ पे लिख दिया आईडी। और ये भी ध्यान रखना है कि जैसे लिखा गया इसमें आईडी वैसे ही लिखना है, यानी कैपिटल में ही रहना चाहिए, स्मॉल में कर देंगे तो गलत हो जाएगा। तो ये आईडी कर दिया हमने, और आईडी इज इक्वल टू क्या है, तो यहाँ पे देखिए जिनका चेंज करना है, यानी 400 चेंज करना है ना, तो इसकी आईडी है 1, तो 1 ही हमें रखना है यहाँ पे, तो यहाँ पे कर देते हैं 1। और अब इसे करते हैं टर्मिनेट, यानी सेमी कोलन आपको दे देना है इस तरीके से, ठीक है। अब इसको क्लोज करते हैं, यानी टेबल को क्लोज कर देते हैं, बाकी इस क्वेरी को अब बारी है रन कराने की। तो यहां से क्वेरी डिजाइन पे जाके और यहां पे रन पे क्लिक करना है। जैसे ही रन पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये विंडो खुल के आ रही है, ये क्या लिखा हुआ है, यू आर अबाउट टू अपडेट 1 रो, ठीक है। आप एक रो को अपडेट करने जा रहे हैं और लिखा हुआ है वंस यू क्लिक यस, जैसे ही आप यस कर देंगे, कैन नॉट यूज अंडू कमांड टू रिवर्स द चेंजेस, आप रिवर्स चेंजेस अंडू कमांड के थ्रू नहीं कर पाएंगे। तो यहां पे यस कर देते हैं। अब चेक करते हैं कि जो 400 था वो 250 हुआ या नहीं हुआ, ये तो चेक करना पड़ेगा। तो यहां से चलते हैं, डबल क्लिक करते हैं और यहां पर देखिए ये चेंजेस ऑटोमेटिक हो चुके हैं, देख सकते हैं, यानी ये कमांड लिखने से, ये कमांड लिखने से ये चेंजेस परफॉर्म हुए।